इन दिस क्वेश्चन दो साउंड वेव्स के बारे में बताया गया है जिनके प्रेशर एम्पलीट्यूड इक्वल है. प्रेशर एम्पलीट्यूड इक्वल है और वेवलेंथ फर्स्ट वेव की डबल है सेकेंड वेव के लेंथ के, और इसका मतलब है लैम्डा वन इज इक्वल टू टू लैम्डा टू, और पी वन प्रेशर एम्पलीट्यूड पी वन इज इक्वल टू पी टू, ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया गया है. अब पावर का रेशियो और एम्पलीट्यूड के रेशियो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, और पावर के बारे में हमारे पास जो आएगा वो होगा प्रेशर एम्पलीट्यूड पी वन एस वन इंटू ओमेगा बाई टू. एवरेज पावर की वैल्यू पी वन प्रेशर एम्पलीट्यूड एस वन डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ओमेगा फ्रीक्वेंसी और इंटू टू. अब रिलेशन बिटवीन प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास है पी वन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एस के बी एस. देन वेवलेंथ अलग अलग है लेकिन मीडियम सेम है, इसका मतलब बल्क मॉड्यूलस तो सेम होगा. देन यहां से हमने एस वन इज इक्वल टू पी वन बाई के वन बी पुट किया, और इस चीज को जब हमने यहां पर पुट किया तो प्रेशर पावर पावर का रिलेशन आया पी वन स्क्वायर ओमेगा बाई के वन पी टू. ओमेगा बाई के स्पीड ऑफ साउंड होगी जो कि मीडियम सेम है, तो पी वन स्क्वायर इंटू वी बाई टू बी, ये पावर के लिए फॉर्मूला होगा फर्स्ट मीडियम में. और सेकेंड मीडियम में यहाँ पर P1 की को रिप्लेस कर देगा P2. स्पीड और बल्क मॉड्यूलस मीडियम पर डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, ये चीज़ें सेम रहेंगी, और इसका मतलब प्रेशर P2 विल बी आल्सो सेम एज P1 एंड P1 इज इक्वल टू P2. नाउ अगर हम रिलेट करें डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड्स को तो S1 बाई S2 will be equal to P1 K1 B P2 by K2 B. Bulk modulus will be cancelled out, P1 and P2 will be cancelled out, hence K2 by K1, or K2 की value 2 by lambda 2 pi by lambda 2, hence यहाँ पर lambda 1 by lambda 2. Lambda 1 by lambda 2 की value 2 दे रखी है, एस एस वन बाई एस टू इज इक्वल टू टू बाई वन. सो ऑप्शन ए एंड डी विल बी करेक्ट.